नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के द्वारा जो प्री एग्जाम थर्ड ग्रेड का एग्जाम करवाया गया था, ये 22 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था। ठीक है, तो लेवल वन का पेपर है ये, तो इसके अंदर आपको पूरे 150 प्रश्न मिलने वाले हैं। एल वन और एल टू के लिए जो 80 प्रश्न हैं वो कॉमन हैं, तो दोनों लेवल वाले देख सकते हैं इसको। और साथ में ही जो कलाम एकेडमी के द्वारा भी जो पेपर करवाए गए थे, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं यूट्यूब पर आपको बता रहा हूँ, तो ये वो भी देख सकते हो आप। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आलिया एग्जाम क्विज के नाम से ही। और पेपर आपको मैं यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवा दूँगा। ये लेवल वन का पेपर है, और लेवल टू के जो सब्जेक्टिव पेपर हैं तो वो मैं अगली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे? तो कहाँ का पूछा है यहाँ पर, सिरोही रियासत के, तो सिरोही कितने यहाँ पर कौन थे, शिव सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा, अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बेंगू किसान आंदोलन 1921 के दौरान बेंगू के किसान किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? तो ये कहाँ पर एकत्रित हुए, मैनाल के बेरकुंड गांव में। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चार है, जनजाति आंदोलन के संदर्भ में असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है, 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भीलकोर की दो कंपनियां, 108 विलेजली राइफल्स की एक कंपनी व 15वीं राजपूत रेजिडेंट की एक कंपनी मानगढ़ पहुंची। तो ये इसके अंदर असत्य विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17 नवंबर 1913 को अंग्रेज फौजों ने मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया था, और बेड़सा स्थान गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र था। मानगढ़ स्थान वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच है, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1920 में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री यहाँ पर कौन बनाए गए थे, तो शोभाराम कुमावत को। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ था? तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर, सीकर में है, तो यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उत्खनन पूछा है तो रतन चंद्र अग्रवाल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध इतिहासकार सी वी वेद्य ने किस हस्से की तुलना चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति से की है? तो यहाँ पर जाएगा बप्पा रावल। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 10, सूरत मिश्र नरहरिदास तथा बनारसी दास आदि विद्वान किसके शासनकाल में सुशोभित थे? तो यहाँ पर जाएगा जसवंत सिंह प्रथम। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, मतिरे की राड़ किन किन के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी देखिए अमर सिंह व राव करण सिंह के मध्य, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा चूड़ामन। कौन था, चूड़ामन। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस लोक देवता को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जाता है? तो ये पाबू जो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, संत धन्ना के गुरु का क्या नाम था? तो कौन थे संत धन्ना के गुरु? तो यहाँ पर जाएगा रामानंद जी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गंभीर नदी के किनारे अवस्थित चंदन गाँव में किस मेले का आयोजन किया जाता है? कौन से गाँव में, चंदन गाँव में। तो यहाँ पर श्री महावीर जी का मेला। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर होता है, बताइए, करौली के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है?
तो बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पंचमी को, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जमादनी किम खाब हैं, जमादनी किम खाब हैं, तो ये क्या है, ये स्त्री के कपड़े का एक प्रकार है, ठीक है, स्त्री के कपड़े का एक प्रकार। अगला क्वेश्चन है, मोकड़ी आभूषण स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है, कौन सा आभूषण, मोकड़ी आभूषण, तो ये हाथों में, कहाँ पर, हाथों का आभूषण है मोकड़ी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन नंबर 19, कमला तथा इलायची नामक महिला चित्रकारों का उल्लेख किस शैली में मिलता है, तो ये मिलता है नाथ द्वारा शैली में, कौन सी शैली में, नाथ द्वारा शैली में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कावड़ लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, कावड़ लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार तो कौन थे, यहाँ पर मांगीलाल मिस्त्री, कौन थे, मांगीलाल मिस्त्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, नवलखा भंडार तथा सोमदेव मंदिर किस किले में स्थित है, तो ये है चित्तौड़गढ़ किला में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किले में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, जला लोकगीत गाया जाता है, तो ये कहाँ पर गाया जाता है, वधु के घर की स्त्रियों के द्वारा वर की बारात का डेरा देखते समय, कौन सा, जला, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा यहाँ पर गुड़दा नृत्य किया जाता है, कौन सा, गुड़दा नृत्य, जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़दा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, गोपी कृष्ण भट्ट वासुदेव भट्ट तथा फूलजी भट्ट किस लोक नाट्य की प्रमुख कलाकार हैं, तो यहाँ पर जाएगा तमाशा, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है तमाशा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान त्रिपुरा सुंदरी किस गांव में स्थित है, तो त्रिपुरा सुंदरी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उमराई गांव बांसवाड़ा में, कहाँ पर है, उमराई गांव बांसवाड़ा में है, उमराई गांव बांसवाड़ा में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थानी साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया था, तो 26 के अंदर क्या जाएगा, वर्ष 2012 में, कब, वर्ष 2012 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27, बापू के तीन हत्यारे किस राजस्थानी साहित्यकार का की प्रसिद्ध रचना है, बापू के तीन हत्यारे, तो ये किसकी है, तो ये हो जाएगा विजयदान देथा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, रागड़ी किसकी उपबोली है, रागड़ी तो किसकी उपबोली है, ये मालवी की, किसकी है, मालवी की। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध संत साहित्य में वाणी और सर्वंगी किसके द्वारा रचित ग्रंथ हैं, तो ये हो जाएगा संत रज्जब जी, कौन, संत रज्जब जी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा है जो उत्तरी अरावली के अंदर नहीं आता है, तो नागपानी जाएगा, ठीक है, ए नागपानी। ये कौन सी अरावली में आता है, दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश की चोटी है नागपानी, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबाई भानगढ़ और नाहरगढ़, तो ये उत्तरी अरावली के अंदर आते हैं, नागपानी जाएगी दक्षिण अरावली में। क्वेश्चन नंबर 32, वे बालों का स्तूप जो छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड के आसपास होते हैं, तो वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो सब्र काफीज बालू का स्तूप, क्या कहलाते हैं, सब्र काफीज, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी की बात हो रही है यहाँ पर, तो उत्तरी में आ जाएगी DBW, ठीक है, थोर्नवेट के अनुसार आ जाएगा DBW, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नदी है जो लूणी की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पर जाएगी मेज नदी, ठीक है, मेज किसकी है, या चंबल की, किसकी है, चंबल की। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जय समंद झील, ठीक है, एक डेबर झील के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, जय समंद झील को।
छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, हेमावास बांध किस जिले में स्थित है? कौन सा बांध? हेमावास बांध। तो ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा पाली के अंदर। कहाँ पर है? पाली। इसके बाद है सैंतीस नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र 9.597% है, जो भारत के वन क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत है? तो सैंतीस के अंदर हो जाएगा यहाँ पर 4.28%, 4.28%। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये है झुंझुनू में। कहाँ पर है ये? झुंझुनू में। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, असम्मिलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो असम्मिलित यहाँ देखिए, भीलवाड़ा मोर, शुभंकर है भीलवाड़ा का मोर, दोसा का है खरगोश, बूंदी का है सुरखाव। देखिए टोंक, टोंक का राजंश नहीं है, ठीक है, टोंक का है हंसी है, ठीक है, राजंश नहीं है, हंस। और जो राजंश है ये कहाँ का है? यह नागौर का है, ठीक है, कहाँ का है? नागौर का। और टोंक का है हंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिप्सी पेरस मृदा किस जिले में पाई जाती है? जिप्सी पेरस मृदा, तो ये बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, गन्ने की फसल के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर गन्ने की फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, तो शीतोष्ण नहीं है, तो एक तो कट गया। गन्ने की फसल के लिए औसत तापमान 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और गन्ने की फसल के लिए कोपीय मृदा उपयुक्त होती है। तो दूसरा और तीसरा सही है। गन्ने की प्रमुख किस्में वीरनार, वराहलक्ष्मी तथा RS-875 है, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा और जो तीस ऑप्शन नंबर सी है, दो व तीन, तो सत्य हो गया दो और तीन। देखिए जो गन्ने की फसल है ये शीतोष्ण कटिबंधी में नहीं आती, ये आती है उष्ण कटिबंधीय फसल है। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय। और इसकी प्रमुख किस्में, किस्में की बात करें तो को 419, को 449, को 957, को 527 और 1007, ठीक है। तो इसके अंदर हो गया दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर 42 के अंदर क्या जाएगा? श्री गंगानगर होगा, ठीक है, श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 43, सही सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो 43 के अंदर देखिए सही कौन सा, यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग बांसवाड़ा, ठीक है, तो सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा किस वर्ष जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर 1975। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, नरड़िया, सिवोनिया, खेड़िया, कांसला खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीज बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज का उदाहरण नहीं है? तो 46 के अंदर आ जाएगा एस्बेस्टोस डी। इसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा जल विद्युत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की गई थी? तो प्रथम पवन ऊर्जा कहाँ पर शुरू की गई थी? अमर सागर जैसलमेर में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में पर्यटन विकास की योजना तैयार करने, उनका रखरखाव करने तथा आवास योजना सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास RTDC की स्थापना कब की गई थी? तो 49 के अंदर आ जाएगी ये 1978 में, वर्ष 1978 में की गई थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 8 जो अब राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और 58 का भाग है, राजस्थान के किस जिले से यह नहीं गुजरता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बूंदी से, ठीक है, ये बूंदी से नहीं गुजरता है, सॉरी राइट आंसर है बूंदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, बूंदी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51,
क्वेश्चन नंबर 51 है, असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो असम्मिलित इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला होगा लीलैंड ट्रक कारखाना। लीलैंड ट्रक कारखाना ये जयपुर में नहीं है, कहाँ पर? ये अलवर में है। कहाँ पर है ये? अलवर में। और बॉल बियरिंग कंपनी जयपुर में है, बिजली की मीटर जयपुर और हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, कहाँ पर? ये अलवर में है। कौन सा? लैंड ट्रक कारखाना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान में प्रथम सूती कपड़ा मिल वर्ष 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो कौन से स्थान पर स्थापित की गई? तो राइट आंसर है ब्यावर अजमेर में। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53, असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। तो देखिए चिंकारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसके अंदर। चिंकारा, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, देखिए इसको 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था और ये एक एंटेलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। इसका नाम है गजेला, गजेला, ठीक है, गजेला या बेनेटिव इसको कहा जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊँट का कैमेलस ड्रोमेडेरिस और रोहिडा का है टेकोमेला अंडोलेटा और खिचड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 54 में जाएगा ये बीकानेर में। कहाँ पर है? राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो 54 के अंदर डी। इसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, देवेंद्र झरझरे के संबंध में असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। तो देखिए इसके अंदर देवेंद्र झरझरे का संबंध चूरू जिले राजस्थान से, ठीक है। देवेंद्र झरझरे को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक मिला था। तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसके अंदर असत्य है, ठीक है। और देवेंद्र झरझरे को वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और देवेंद्र झरझरे का संबंध जेवलिन थ्रो खेल प्रतिस्पर्धा से है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये असत्य हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर रजत पदक नहीं, यहाँ पर कौन सा पदक जीता था इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, खिलाड़ी और खेल। तो 56 के अंदर देखिए सुमेलित कृष्णा नागर, पैरा बैडमिंटन से संबंधित है कृष्णा नागर, ठीक है। अरुदंती चौधरी, अरुदंती चौधरी ये निशानेबाजी से थोड़ी है, ये बॉक्सिंग खेल से है, ठीक है। और जो विवान कपूर है, तो विवान कपूर निशानेबाजी से थे, ठीक है, ये निशानेबाजी से थे। और अवनी लेखरा, अवनी लेखरा किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित। अवनी लेखरा भी निशानेबाजी से, विवान कपूर भी निशानेबाजी से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान का प्रमुख धार्मिक स्थल जैन मंदिर भांडासा बीकानेर किस जैन तीर्थ को समर्पित है? तो 57 में जाएगा सुमति नाथ। इसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन है, बाडोली स्थान जो हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में अवस्थित है? बाडोली, तो ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ के रावतपाटा में, ठीक है, रावतपाटा के समीप बाडोली। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति का प्रावधान है? तो 59 के अंदर जाएगा अनुच्छेद 243 JD, ठीक है, सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे? तो सबसे कम हीरालाल यहाँ पर देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब प्रभावी हुई थी? तो ये हुई थी 2022 में, कब हुई थी? वर्ष 2022। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, फ्लैगशिप योजनाओं में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना का उद्देश्य क्या था? तो योजना इंपॉर्टेंट योजना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रदेशवासियों को OPD और IPD की समस्त सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाना। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑपरेशन खुशी अभियान का संबंध है? तो ऑपरेशन खुशी अभियान बाल श्रम के विरुद्ध अभियान, तो ए इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है,
संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुड़ जो 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया, इसमें भारत तथा फ्रांस की वायुसेना ने भाग लिया था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये जोधपुर में, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर, 20 में जाएगा जोधपुर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में धूली वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कौन सी धूली वंदना कार्यक्रम? तो 65 में जाएगा सी, बांसवाड़ा। इसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, बाल दिवस के अवसर पर पहली बार बच्चों के लिए देश का पहला डिजिटल म्यूजियम किस स्थान पर खोला गया? तो ये जयपुर के अंदर, कहाँ पर है? जयपुर में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 67, 2 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में कितने व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर कितने? 5, ठीक है, 5 व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर, ब्रिटेन में संपन्न हुई वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 में भाग लेने वाले राजस्थान में राजस्थान से एकमात्र सदस्य कौन थी? तो यहाँ पर थी तस्नीम मेहजबीन ए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा 2 दिवसीय अंजस महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कौन सा अंजस महोत्सव? तो 69 में जाएगा जोधपुर में, कहाँ पर? जोधपुर में। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर 2022 महात्मा गांधी जयंती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ये खेरुणा गांव बूंदी को, ठीक है, खेरुणा गांव बूंदी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से संबंधित असत्य विकल्प को विकल्प यहाँ पर पहचान कीजिए, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो इसका जो शुभंकर था वो क्या था? शेरू। शुभंकर क्या था इसका? शेरू था। 6 खेलों को इसमें शामिल किया गया था और 6 खेल कौन कौन से थे? खो खो था, कबड्डी था, वॉलीबॉल था, हॉकी था, टेनिस बॉल, क्रिकेट और शूटिंग बॉल, ठीक है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन SMC स्टेडियम जयपुर से इसका किया गया था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इन खेलों की शुरुआत यहाँ पर दे रखा है 29 सितंबर 2022, तो ये 19 अगस्त से 19 अक्टूबर 2022 तक इनका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो राइट यहाँ पर जो है 29 सितंबर नहीं आएगा, 29 अगस्त 2022, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें असत्य विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान के अंतर्गत 60,000 बेटियों को कौन से पौधे वितरित किए गए थे? तो बेहतर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सहजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहजन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73, देश की पहली महिला लेडी टार्जन कौन है जो अब राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगी? तो यहाँ पर जाएगा जमुना टुड्डू सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए राज्य स्तर पर से इस योजना का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2022 को जयपुर में किया गया, ठीक है। तो यही इसके अंदर क्या हो गया? असत्य है। इसका 29 नवंबर 2022 को किया गया था, ठीक है, 29 नवंबर 2022, अक्टूबर नहीं होगा, 29 नवंबर। और अगला देखिए, इस योजना में राज्य सरकार का 476.44 करोड़ रुपये व्यय करेगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं को सप्ताह में 2 दिवस दूध उपलब्ध करवाना है। तो उपयुक्त सभी असत्य हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए होगा केवल, ठीक है। ये 29 अक्टूबर की जगह क्या आएगा? 29 नवंबर आ जाएगा। तो चौथे केंद्र होगा ए, 29 नवंबर 2022 आएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर, हाल ही में 3 नवंबर 2022 को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उमेश मिश्रा ने राजस्थान के कौन से पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में पदभार संभाला है? तो राइट आंसर यहाँ पर 35वें, ठीक है, सी हो जाएगा 35वें।
तो बात देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राज्य के किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेव का शुभारंभ 28 नवंबर 2022 को किया गया था? तो यहाँ पर जाएगा अलवर से, ठीक है, डी। 77 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है? तो यहाँ पर महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध करवाना, सी हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78, आरटीई 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो 78 में जाएगा डी, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, डी 78 में डी। 19 नंबर, SIQE परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जाएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। 80 नंबर, देखिए POSDC CORB पोस्ट कोरिक की अवधारणा किसने दी थी? तो ये किसके द्वारा? लूथर गुइक व लिंडन उर्विक के द्वारा, बी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, देखिए ये 80 क्वेश्चन लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कॉमन थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, प्रधान अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं? तो कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं यहाँ पर? तो नेतृत्व क्षमता, लोकतंत्र दृष्टिकोण और व्यवसाय कुशलता, इसमें जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI शिक्षण अधिगम नवाचारी कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है? तो यहाँ पर चारों आ जाएंगे, ठीक है। उचित विकल्प, केवल राजस्थान सरकार द्वारा, भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा, विश्व आर्थिक मंचन WEF द्वारा और वैश्विक ई विद्यालय एवं सामुदायिक पहल GESCI, ठीक है। तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1, 2, 3, 4। BSC में हो गया डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2015 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2015 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84, असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना राजकीय विद्यालय में EWS श्रेणी के अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु और APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना ये राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्वाह योजना ये स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ABC सत्य हैं, इसमें असम्मिलित हैं, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसमें। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्वण योजना, ठीक है, तो इसके अंदर क्या जाएगा, देखिए जो डी है, देखिए जो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्वण योजना है तो ये राजस्थान में RTE के तहत 12 कक्षा 12 तक निजी स्कूलों में फ्री शिक्षा, ठीक है, यहाँ पर कक्षा 10 दे रखी है तो यहाँ पर आएगा कक्षा 12 तक, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? तो यहाँ पर क्या जाएगा 85 के अंदर, देखिए विद्यार्थियों का समग्र विकास, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना, प्रायोगिक आधारित अधिगम, बहुभाषावाद और कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 डी। 86 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की यहाँ पर धारा दी हुई है तो के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालय में 25% निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश दिया जाता है? तो 86 में जाएगा धारा 12(1)(c)। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर, विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC में क्या पदनाम होता है? तो 87 के अंदर क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर जाएगा अध्यक्ष, ठीक है, डी। इसके बाद देखिए 88 नंबर क्वेश्चन,
अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधन और शर्तें का उल्लेख राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के किस भाग से अभिप्रेत हैं? तो 88 में जाएगा भाग 6। इसके बाद देखिए 89, अभिकर्मित अनुदेशन में कौन सा तत्व क्रियाशील नहीं रहता है? तो यहाँ पर जाएगा अभिविन्यास सी। क्वेश्चन नंबर 90, एन आई पी यू एन का सही वृद्ध स्वरूप है? तो 90 के अंदर जाएगा सी, नेशनल इंसेटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 91, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा साहित्य आचार्य, ठीक है, साहित्य प्लस आचार्य, ये दीर्घ संधि है, ठीक है। तो देखिए सूर्योद्यान, हितोपदेश और हर्षोल्लास, तो इसमें कौन सी है गुण, साहित्य आचार्य में कौन सी है साहित्य प्लस आचार्य, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास, तो 92 में केंद्र जाएगा तटस्थ, ठीक है, तट पर स्थित हैं जो, ठीक है, तटस्थ, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। 93, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं? तो 93 में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो द्विवार्षिक, ठीक है, सी द्विवार्षिक। देखिए औपचारिक नहीं होता है, औपचारिक होता है, ये औपचारिक नहीं होता है, औपचारिक होता है, ठीक है। चातुर्यता नहीं होता, ये क्या होता है, चातुर्य भी चतुर्था, और जनतांत्रिक देखा है तो ये होता है जनतांत्रिक। 94, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध हैं? तो यहाँ पर मुट्ठी गर्म करना, सही व्यवहार करना, तो ये इसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पर अशुद्ध है डी, ठीक है। छाती पर मूंग दलना कष्ट कष्ट देना, और छाती ठोकना विश्वास दिलाना, छाती पर सांप लौटाना ईर्ष्या करना, और मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना होता है रिश्वत देना, रिश्वत देना, तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 95, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति व उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध हैं? तो 95 के अंदर ऑप्शन नंबर पहला है, दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या, किसी वस्तु का उपभोग करने की स्थिति में आने पर उसका उपभोग कर सकने में असमर्थ हो जाना, तो ये इसके अंदर अशुद्ध है। देखिए दलाल का दीवाल क्या, मस्जिद में ताला क्या, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं है तो उसके पास हानि से डर क्या, तो ये होगा इसका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए दाग लगाए लंगोटियार, मनुष्य धोखा अपनों से ही खाता है, दादा कहने से बनिया भी गुड़ देता है, तो मधुर वाणी से सब काम बन जाते हैं, और डी है इसमें, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, मुफ्त में मिली जो काम की वस्तु उसको कमियाँ नहीं देखी जाती, ठीक है, तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 96, भाषा शिक्षण की आधुनिक शिक्षण प्रणालियों के संदर्भ में असंगत हैं? तो 96 में क्या हो जाएगा, डोल्टन प्रणाली, ये मारिया मोंटेसरी दौड़ी है, किसकी है, मिस हेलन पार्क हसट की है, ठीक है, किंडरगार्टन प्रोबेल की है, खेल प्रणाली कोल्डवेल कुक की है, और प्रोजेक्ट है किलपेट्री की, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, डोल्टन प्रणाली, किसकी है, मिस हेलन पार्क हसट की है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, भाषा क्वेश्चन के संदर्भ में असत्य कथन है? तो असत्य कथन पूछा यहाँ पर, तो देखिए इसके अंदर केवल जो चार वाला है, देखिए ग्रहण पक्ष के अंतर्गत सुनना और लिखना, तो ये इसके अंदर असत्य है। देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के चार मूल कौशलों से अभिहित किया जाता है, भाषा के विभिन्न कौशल भाषा के मूर्त या फिर प्रत्यक्ष रूप हैं, और भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। 98, भाषा शिक्षण के शैक्षणिक उपकरण की विशेषताएं हैं यथा, तो यहाँ पर हो जाएगी, देखिए टेप रिकॉर्डर युक्ति का एक ही विकसित रूप है, इसमें अनेक बूथ होते हैं और प्रत्येक बूथ में टेप रिकॉर्डर होता है, एक मुख्य टेप के परिचालित होता है, द्वितीय भाषा शिक्षण में इसका विशेष उपयोग होता है, तो उपयुक्त विशेषताओं का संबंध है, तो ये है भाषा प्रयोगशाला सी डी, 98 के अंदर डी। 99, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन है, तो शैक्षणिक निदान का क्या प्रयोजन है, तो यहाँ पर औपचारिक शिक्षण। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100,
तो इंग्लिश के मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा फ्यू सी। इसके बाद देखिए 101 में क्या होगा, देखिए 101 में होगा डी, ए एन ए और डी डी। और 102 में हो जाएगा बी, डिड नॉट इम्पोर्ट। 103 में जाएगा सी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। और 104 में ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडी टू रेलू कैन टू एक्ट, तो बी। 105 में जाएगा सी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 इसमें जाएगा बी, ठीक है। और 107 में होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 108 में जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 109 निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, तो 109 में 12 आ जाएगा, ठीक है आप ज्ञात कर लेना 12। 110 दी गई आकृति में कौन x का मान होगा 32 डिग्री, ठीक है 32 डिग्री। 111 दो वर्षों में साधारण ब्याज में मूलधन 10% बढ़ जाता है और 10,000 रुपये पर उसी दर से दो वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज में रुपयों में क्या होगा, तो 111 में हो जाएगा 1025, ठीक है आप ज्ञात कर लेना इनको, 1025 का राइट आंसर है। 112 यदि दो संख्याओं का महत्व समय प्रत्यय 9 है और उनका गुणनफल है 3402, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समय प्रत्यय एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो 112 में जाएगा 378, ठीक है 378 112 में ऑप्शन नंबर बी। 113 एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आयतन है आयतन क्या होगा, तो यहाँ पर 1848 सेंटीमीटर, ठीक है डी। 114 देखिए 114 में निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है, तो 114 में हो जाएगा देखिए डी, विशिष्ट उदाहरण निरीक्षण सामान्यकरण और परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। 115 किन कौशलों को विकसित करने में गणित सहायक हो सकती हैं, तो यहाँ पर देखिए परिमाण और हल का अनुमान, प्रत्यक्षीकरण, निरूपण और तार्किक रीजनिंग, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 115 में डी। 116 गणित शिक्षण में मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा प्रयोगात्मक परीक्षा डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री है, तो ए बी दोनों, फिल्म स्ट्रिप और एपिडाइस्कोप डी। 118 किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होती हैं, तो 118 में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बल। 119 दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है यौगिक सी। इसके बाद देखिए 120 है सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, सिरका तो ये एसिटिक अम्ल डी। 121 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पाचन शैली कहलाता है, तो 121 में डी हो जाएगा लयन काय। 122 पुरुष जनन तंत्र में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्षण कोष सी। 123 प्राथमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, तो 123 में जाएगा बी, प्रदर्शन व्याख्या अनुयुक्त प्रदर्शन विधि बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। इसके बाद देखिए 124 निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है, तो कौन सी नहीं है यहाँ पर ग्रोमोफोन, ठीक है ग्रोमोफोन, तो ये कौन सी है श्रव्य सामग्री। 125 निम्नलिखित में से कौन सा है कथन निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में सत्य कथन है, तो यहाँ पर
देखिए, इस परीक्षण के माध्यम से एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण की तरह इसमें अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं और प्रत्येक अधिगम इकाई के लिए अलग से निर्धारणात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। तो उपयुक्त सभ्य जाएगा डी। 126, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि है? तो 126 में क्या जाएगा? सी होगा 3-4-5। 3-4-5 साक्षात्कार अवलोकन और रेंटिंग स्केल। 3-4-5 ऑप्शन नंबर सी। 127, क्वेश्चन नंबर 127, देखिए, मुगल शासक जहांगीर के संबंध में सत्य विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर का जो राज्य बीजी अभिषेक है वो कहाँ पर होता? आगरा के किले में। इसके बाद देखिए 128, निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा गुयाना पठार। ठीक है, गुयाना का पठार कहाँ पर है? वेनेजुएला देश में अवस्थित है। कहाँ पर? वेनेजुएला में। 129, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व रामसर साइट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो 129 में जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। 130, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखिए और उनका पालन करें। उक्त प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से मौलिक कर्तव्य में निहित हैं? तो 130 में जाएगा दूसरे में, ठीक है, बी। 131, 12 जिले का 28वें जिले के रूप में गठन कब किया गया था? तो 12 का कब किया गया था? ये 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, सी 131 में। के बाद देखिए 132, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना के संदर्भ में असत्य कथन है? तो 132 में जाएगा सी। ठीक है, इसके अंतर्गत मनुष्य के संबंधों का अध्ययन उच्च स्तरीय एवं खोजपूर्ण तरीके से किया जाता है। तो सी इसके अंदर असत्य विकल्प है। सत्य विकल्प देखिए, सामाजिक अध्ययन एक एकीकृत उपागम है। यह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करता है और यह विद्यार्थियों को एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में तैयार करके समाज का प्रभावशाली सदस्य बनाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133, कौन सा या कौन से प्रायोजना कार्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सम्मिलित हैं? तो 133 में क्या होगा? देखिए यहाँ पर जाएगा, देखिए, मिट्टी कुट्टी तथा अथवा लकड़ी से वस्तुओं का निर्माण, विद्यालय में चुनाव और सामाजिक सर्वेक्षण। तो यहाँ पर सी, ठीक है, 1-2-3 ऑप्शन नंबर सी। 134, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री मॉडल और मानचित्र का मिश्रित रूप है? तो 134 में क्या जाएगा? बी जाएगा ग्लोब। 135, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का या फिर मूल्यांकन के उद्देश्य हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विश्वसनीय जानकारी, अधिगम प्रक्रिया में सुधार और पाठ्य वस्तु की उपयुक्तता। डी, उपयुक्त सभी। 136, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करना। तो ये गलत है। देखिए, सीखने की परिस्थिति, शिक्षार्थी और सीखने की प्रक्रिया, तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 137, बालकों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक तो चलती है, विकास अनुवांशिकता वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये भी है, विकास एक सुव्यवस्थित प्रतिफल है। देखिए, इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न बालकों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है जबकि विकास की गति समान होती है। तो विकास की गति समान थोड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 138, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गिलफोर्ड के 3 आधारभूत आयाम प्रतिमान के अनुरूप सही नहीं है? तो 138 में जाएगा वर्ग सी। 139, बालक के संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने किन प्रक्रियाओं के द्वारा समझाया था? तो यहाँ पर हो जाएगा संगठन, अनुकूलन और संतुलन, बी होगा। ठीक है, 139 में ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते को भोजन देने से तनिक पहले उसके सामने घंटी की आवाज़ को अनेक बार दोहराने पर कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार टपकाना सीख लेता है। तो यह एक उदाहरण है, तो यह जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण, जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का। 141, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण
उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्विपार्श्विक अधिगमांतरण, ठीक है, बी 142। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार समूह बालक बाल अपराधियों में प्रायः देखा जाता है? तो यहाँ पर होगा आक्रामक, उद्दंड, क्रोधी व विध्वंसकारी, ए 143। व्यक्तित्व मापन में विषय आत्मबोध परीक्षण TAT का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए 143 में प्रक्षेपी तकनीक, डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 144। मुँह में राम, बगल में छुरी, समय की रक्षा युक्ति है? तो ये प्रतिक्रिया निर्माण, बी 145। संबंधन अभिप्रेरणा एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अर्जित अभिप्रेरणा, बी। और 146 है, राजस्थान राज्य के किसानों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं एवं सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए किस पोर्टल को विकसित किया गया है? तो 146 में जाएगा राज किसान साथी पोर्टल। इसके बाद देखिए 147। निम्नलिखित में से कौन सा G2C सेवाओं का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर होगा ईबे कॉम, ठीक है, डी। इसके बाद देखिए 148। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः हैं? तो इसका राइट आंसर है इसके अंदर वह प्रिंटर, ए 149 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने तथा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जाएगा मेलवेयर, सी। और क्वेश्चन नंबर 150 देखिए HTTP का पूर्ण रूप है, तो क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी, ठीक है। तो ये लेवल वन का पेपर था और इसके अंदर अपन ने देखिए 150%। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आलिया एग्जाम क्यूजी के नाम से टेलीग्राम है, तो ज्वाइन जरूर कर ले, PDF वहाँ पर मिल जाएगी। जो बची हुई पेपर हैं लेवल 2 SST का, हिंदी का और साइंस मैथ का, जो भी पेपर हैं, तो सभी का मैं सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर बताऊंगा और PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। साथ में कलाम एकेडमी जो शिखर के द्वारा भी आयोजित हुए थे पेपर, तो सभी का जो सॉल्यूशन है यूट्यूब पर आपको मिल रहा है और PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।